नहीं है, लेकिन मुझे तो स्टोरी और कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया उनका, लेकिन एज अ पर्सन फ्रॉम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री सबसे इम्पोर्टेंट होता है कॉन्सेप्ट, स्टोरी, और उसके बाद आती है टीम। तो मुझे जब पता लगा अमाद से, इन्होंने डायरेक्ट करी है बहुत अच्छी भी पिक्चर, और मैं जब कॉन्सेप्ट और स्टोरी सुनी तो मैं हिल गया। मैंने कहा यार यही मेन है, ऑडियंस को आज की डेट में बेवकूफ नहीं बनना चाहिए, आज की डेट में अच्छी स्टोरी, अच्छा स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स हो, और उसके बाद फिर टैलेंटेड एक्टर हो ऐसे तो अपने आप, और ऐसे डायरेक्टर हो इतने बढ़िया, तो फिर काम बन ही जाता है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे कॉन्सेप्ट, और लुक बहुत अच्छी लगी। आप पोस्टर देख के देख सकते हो हमारे भाई का एक एक्सप्रेशन, इनके एक्सप्रेशंस, पता लग जाता है कि मेहनत हुई है, और माय बेस्ट विशेस। सामने बस आई एम वेरी ग्रेटफुल कि वो यहाँ पे आए, बिकॉज आई ट्रीट हिम लाइक माय एल्डर ब्रदर, सो इज हियर टू गिव अप रिगार्ड्स एंड बेस्ट विशेस टू द फुल टीम, एंड आई जस्ट विश हिम ऑल द बेस्ट इन हिज फ्यूचर फॉर हिज फ्यूचर एंडेवर्स, एंड आई लव यू सो मच एंड थैंक्स फॉर कमिंग हियर। भाई मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं पहले ही समझ लेता हूँ कि कौन सुपरस्टार बनने वाला है। मुझे पता है अमाद तो सुपरस्टार बनेगा ही, तो उसकी इसकी लाइफ का जो पहला पिक्चर का पोस्टर है उस पर मैं खड़ा हूँ। ये जब कल ये बहुत बड़े लेवल पे जाएगा तब भी साथ में ही खड़े होंगे। आए हैं तो इसके लिए मैं बस शुक्रिया ही अदा करूँगा, क्योंकि हम लोग इस मंच पे खड़े हैं और कम से कम इनका ये आए यहाँ तक, इसके लिए बहुत अच्छा, थैंक यू। भाई ये आज हमारे पास आए हैं क्योंकि हमारी पिक्चर का पोस्टर लॉन्च है रेड पंच, एंड अमाद और मेरे ये बहुत क्लोज हैं, हमारे भाई हैं जो हमेशा हमारे को गुड विशेस देते हैं, और मैं हमसे हमेशा यही चाहता रहूँगा कि वेन एवर इस काम हमारे बस पोस्टर ही लॉन्च होते रहे सर। और एक चीज़ बताऊँ, अमाद और इन लोगों के लिए आया हूँ, जबकि मेरे को बहुत भयंकर फीवर है, हालत ख़राब है मेरी, लेकिन क्योंकि आज का दिन था, ये चेंज नहीं हो सकती थी डेट, तो आना ही था, तो दवाई खा के, डोलो खा के और मेडिसिन खा के आया हूँ। थैंक यू वेरी मच। शमीम जी को बधाई देंगे कि आपने बहुत अच्छे हीरे को तराशा है, और आपकी टीम भी बहुत अच्छी लगी, तो बेस्ट विशेस। और मैंने जैसे बोला कि आप प्रोड्यूसर हैं, तो आपके पीछे और फाइनेंसर्स आएँ और अगला पार्ट और भी बड़ा बने, 100 करोड़ की पिक्चर बनाई है। और भाई ये जो हम शूट करने जा रहे हैं, हम बनारस के, अच्छा बॉम्बे में नहीं है, मतलब नेचुरल जो पूरा वहाँ का, बस स्क्रिप्ट पे फोकस करना है, भले ही आप 5 बार रीराइट उसको करेक्शंस कराइए, बस स्क्रिप्ट ही मेन है। आपने देखा है लेटली बड़ी पिक्चरें आई हैं लेकिन उसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं है, तो स्क्रिप्ट होगा तो सब होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।